प्रोग्राम या हुक्म के मुर्गे उतार दाने के लिए आगे बढ़े, पीछे हटे तो इसी सूरत में पीछे हटे। इसका क़याम भी खुदा की रज़ाई के लिए हो, इसका सिजदा भी उसके आकाम की तामील के अंदर। फिर तो है ये अब्द मोमिन, और जब अपने किसी मफाद गरज या आरजू या तमन्ना के लिए इसको इस्तेमाल करे और वो हद से बढ़ जाए तो शैतान है। नतीजा उसका माहौल जो है मायूसी है, नदामत है, ये इबलीस है इंसान। एक और मिसाल, एक जगह उसने कहा है 36:7 सूरह यासीन, आपको मालूम है वो यासीन सूरह का सूरह यासीन तो वो हमारे यहाँ वो जो मरने लगता है उस वक्त पढ़ाते हैं ना, क्या यासीन है वो आसाब मेरी जब जान नहीं निकलती थी वो हिंदुओं को मंजी तो छबे ला देने, हिंदुओं का ये है जब वो देखे ना मायूस हो जाते हैं तो उसको उसको मरीज को चारपाई से नीचे, अब वो जो नीचे उन्होंने लेटाया तो उसने समझ लिया कि अब मेरी बात आ रही है, तो नहीं भी आनी होनी तो पते की मर जाता तो तुम मंजी तो थले तो नहीं लाऊंगे उतरे रहने होंगे, तो यासीन जिसे सुनाने लग रहे थे कहने को आ गया कि यासीन। साइकोलॉजिकली जो उसने विल पावर पर जो काम कर रही होती है ना तो वो भी खत्म कर देते हैं कि आज यासीन आज क्या बात होता था इकबाल के तुम्हारा तो इतना ही काम रह गया कुरान से कि आज यासीन आसान बनी। ये जो जिंदगी बस खुदा की किताब थी उसका मसरफ इतना ही रह गया है कि जो थोड़ी बहुत रमक रहती है जिंदगी की वो कुरान की आयत सुना के वो भी खत्म कर दे इसके। तो यासीन ये होती तो आपको पता है कि मुगलिया खानदान में तला मोहल्ला की बेगमात जो थी वो जब पढ़ती थी कुरान करीम या किसी को कहना होता था ना तो वो यासीन नहीं कहती थी, ये तो बदसुगुनी होती है ना जी, यासीन का लफ्ज ही कहना। इसका नाम था ननानी सूरत, यानी कि ननानी लाना चाहिए। तो ये जो है ना ननानी सूरत मुझे याद आया उनके यहाँ ये सूरत थी सूरह यासीन 36वीं सूरत। अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अरबदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मैंने तुम्हें ये हुक्म दिया। अब अरबदून जो लफ्ज आया इसका इसके माने आप यहाँ परस्त की इबादत करते हैं लेकिन वो तो माने देखेंगे नहीं कि शैतान की तुमने इबादत ना करना, शैतान की इबादत तो कोई भी नहीं करता। पर विद्वान ने आपको मालूम है बदलू के तुम्हारे हैं, उसको अपना हाकुम तसव्वुर करना, उसकी महकूमियत अख्तियार करना, उसके कहने पर चलना। हमने तुमसे ये कहा था कि शैतान की महकूमियत अख्तियार ना कर, तो यहाँ तो शैतान की बात कही ये है 36:7 और जरा आगे 45:23। इसे ध्यान में रखिए कि यहाँ कहा है कि शैतान को अपना खुदा न बना लेना, बस यूं तर्जुमा कहिए ना, शैतान को अपना खुदा न बना लेना। और यहाँ कहा है कि अफरा मन तखजा इलाहु हवाहु, तुमने उसको भी देखा कि जिसने अपने जज्बात को ही अपना खुदा बना लिया। साफ हो गई बात, इंसान के अपने जज्बात ही हैं, जब इनको वो अपना इलाह बना देता है, अपना खुदा बना देता है, इनकी मासूमियत अख्तियार करता है, करता वही है जो जज्बाती तौर पर इसके जज्बात इसे कहते हैं। वहां इसका ना इसको शैतान कहके पुकारा है, यहाँ हवा हो कहके पुकारा। तो वो है इंसानी नफ्स, जो पहले हमने ये कहा था कुरान ने खुद बता दिया कि ये जज्बात से मतलब है। इंसान जज्बात को जब खुदा बना लेता है तो फिर उसका नतीजा अगली बात भी कही दू, तो कैफियत ये होती है जब ये अपने जज्बात से महरूम हो जाता है, यूं कहिए कि इसका शैतान इस पर गालिब आ जाता है, तो फिर इल्म अकल के बावजूद अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, तबाह हो जाता है। इल्म के बावजूद जज्बात जब गालिब होता है, ये है शैतान का गालिब आना। तो पहली चीज जो मैंने अभी अर्ज की है जिसका समझना बड़ा ही जरूरी था कि ये कोई बाहर की हस्ती नहीं, इंसान के अपने अंदर जज्बात, उन जज्बात को अगर खुदा के मुकर्रर की हुई हदूद से आगे बढ़ने दिया जाए, बेबाक कर दिया जाए, सरकश कर दिया जाए तो वो शैतानत है। यही इंसान का अपना शैतान है जो उसके अंदर,
बाहर नहीं है कहीं। बड़े यकीन अंदाज में बात कहता है इकबाल, वो तो आपको याद है कि मैं तो इसके साथ लाता हूँ, खूब कहा है उसने। फिर वही फारसी की बात आ गई, जहाँ ता अज अबद बेरू कशीबंद, एक एक लफ्ज उसका देखने ही पागल होता है जीवन में। अब अबद बेरू कशीबंद, ये जो खुदा की पहली तो जिसे मैंने कहा था फतरा नहीं, उसने कहा है नबी नस्क दीन में लाना बेरू कशीबंद, जहान के इस कायरात को जब अबद से बाहर गाओ, जमीर सर्द बे हंगाम दीबंद, इस कायरात में देखा बिल्कुल ठंडी, कोई हंगामा नहीं किसी किस्म का, कोई तपिश नहीं, कोई हरारत नहीं, कुछ नहीं था इसके अंदर। तो वो इबलीस से, शैतान से ये मुखातिब करके कहते हैं कि बगैर अब जाने माँ सोजे पुजा दू, तुम बताओ कि हमारी जान के सिवा इस कायनात के अंदर कहीं तपिश और हरारत थी, कहीं भी नहीं थी, इसलिए तेरा अब आपसे माँ आखरी नंद, अरे आग तो थी हमारे अंदर, कायनात में कहीं और थी ही नहीं। तो तेरे मुतल्लिक जो कहा जाता है कि तुझे आग से पैदा किया, तो ये आग ली कहाँ से थी खुदा ने जिससे तुझे पैदा किया, कायनात में तो हमारे सीने के सिवा आग कहीं थी ही नहीं, तो हमारे ही सीने के जो शोबे हैं तेरी तकलीफ उनसे हुई। क्या खूबसूरत अंदाज है बात करने। अब ये तो हुआ एक फर्द शैतान, और अगर इस किस्म के बहुत से अफराद इकट्ठे हो जाए तो वो ठीक है। एक तो हमारे यहाँ उसको तो एक बड़ा शैतान कहते हैं पंजाबी के, ना बाकी में शतुंगो कहते हैं, दिनों ने इतनी लश्कर इसके कौमों की कौमी हिंदू शैतान, शैतान की पार्टी गुरोह उसका। तो जब कौमों की कौमें जब शैतान बन जाए, इतने शैतान इकट्ठे हो जाए, कला ही मान नहीं होगा तेरा कुत्तों की, वो करता क्या। इस तहलग अलैहिम 58/19, इस तहलग अलैहिम शैतान, हवाले आ जाता है उनके ऊपर उनका शैतान, करता क्या है वो, क्या बात है। आप देखते हो गुस्से में आदमी सब कुछ बातें भूल जाता, बिल्कुल होश नहीं होता, उसको पागल हो गया होता। गुस्सा आज ही जुनून होता है जीवन में, अगर वो जरा आगे बढ़ के मुस्तकिल हो गए तो उसे पागलपन कहते हैं, वो भी जुनून होता है, भूल जाता है आदमी ये चीज। कहा वो करता इतना ही है, कहां सा हम जिक्र अल्लाह, खुदा के कवानीन जो है उनको भुला देता है। ये कौन है, उलाए का हिल्म शैतान, अकेला ही नहीं कौम में ये कुछ करती, दूसरी कौमों पर गालिब आ जाती है, और कोशिश ये होती है कि वो खुदा के कवानीन को पसे कुछ डाले। ये है जिन्हें ये किस तरह से गालिब आती है ये कौमें दूसरी कौमों पर, मजलूम कौमों के ऊपर क्या क्या तरीके अख्तियार कर, क्या बात। 17/64 ये वो है ना मकाम जहाँ वो तमसीली अंदाज में आदम और शैतान होगी जाए फिर एक बार बकर गया। इतनी बड़ी बात हम तो फसल दी और हमें इसकी वजह से रंगा दरगाह बना रहे हैं। निष्पता का मीन हूं बेसाव के, पहली चीज ये है कि आवाज के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए देखना किस तरह से इसको बरगुलाता है, करता क्यों शाम से हम जिक्र ला, एक ही बात मुझे करनी, तेरे कवानीन से उसको हासिल करना है। उसके जराय क्या अख्तियार कर रही है मैंने, पहली चीज तो ये है कि प्रोपेगेंडा किया जाएगा इनके मुल्कों के अंदर, सजा हम वार करने के बाद वजलिब अलैहिम बखैरे का वर दिले, जरूरत पड़ेगी तो फिर जरा फौजें लेके चढ़ाई भी करूंगा, तू हो जाएंगी तो फिर क्या करूंगा, हर वक्त तो पूरी फौजों के जरिए से तसल्लुत नहीं जमाए रखना पड़ता ना, मजकूर कौम या मजकूर इलाके के ऊपर अपनी हुकूमत को सवार रखने के लिए और हर बड़ी इस्तेमाल करने पड़ते, क्या करूंगा, सारे कौनसिल अमवाल इकॉनमी इनकी इस किस्म की बनाऊंगा मैं तो उसमें 10% मेरा रहे, सारे कट
यानी इनको शहीद करूंगा मैं इसमें। ये तो दस्तक आलम निरल रहेगा।